हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल आपका गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुगंधित फूलों वाले पौधे मोगरा के बारे में है। गार्डनिंग का शौक रखने वाले आप में से ज़्यादातर लोग इस पौधे से अच्छी तरह से परिचित होंगे। मोगरे का पौधा गर्मियों में फूल देने वाला एक परमानेंट प्लांट है। हमारे इंडिया में गर्मियाँ बहुत लंबी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग मोगरे के पौधे पर फ्लावरिंग का जो पीरियड होता है वो भी बहुत लंबा होता है। इस प्लांट पर मार्च से लेकर अक्टूबर तक रिपीटिंग फ्लावरिंग चलती रहती है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर मोगरा के पौधे की कई वीडियोस अपलोड की हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उनके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिलते हैं, कुछ ही फूल खिलकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न तो मैं आपको बताऊँगी ही, साथ ही बताऊँगी कि आप अपने मोगरे के पौधे पर हैवी फ्लावरिंग और रिपीटिंग फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, मैं अपने इस मोगरे के पौधे को आपको इस सीज़न में दूसरी बार दिखा रही हूँ। इससे पहले जब मैंने आपको दिखाया था तब भी इस पर बहुत सारे फूल खिले थे और अभी भी आप देखें कि इस पर कितनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है और ये कई दिनों से हो रही है, बल्कि कुछ फूल तो सूखकर गिर भी गए हैं और ये 4-5 दिन में फ्लावरिंग ओवर भी हो जाएगी। आप भी अपने मोगरे के पौधे पर ऐसी ही हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं और बार बार ले सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो सनलाइट का और एक इसके लिए न्यूट्रिएंट्स का, और ये न्यूट्रिएंट्स इसे फर्टिलाइज़र से मिलते हैं। तो इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं किस फर्टिलाइज़र से पूरी करती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं दो फर्टिलाइज़र मिक्स करके यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये तो एक काउ मैनवर है, मतलब गोबर की खाद, जो ये मोटे मोटे पीस हैं, और इसके साथ मैं एक और फर्टिलाइज़र मिला देती हूँ इसमें, ये वर्मी कंपोस्ट। वैसे तो फ्रेंड्स, दोनों फर्टिलाइज़र्स में एनपीके होता है और जो थोड़े थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी होते हैं, पर वर्मी कंपोस्ट में एनपीके थोड़ा ज़्यादा होता है। दोनों को मिक्स करने से एक रिच और बैलेंस डाइट तैयार हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र को प्लांट को देने से पहले सॉइल की अच्छे से गुड़ाई कर लें और जो भी इसमें खरपतवार वगैरह, मतलब फालतू के जो जंगली पौधे हैं उन्हें निकाल दें, क्योंकि जो ये जंगली पौधे होते हैं ये प्लांट्स के हिस्से के न्यूट्रिएंट्स भी खा जाते हैं। फर्टिलाइज़र को सॉइल में डालने से पहले दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं तो आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, इस तरह हिलाने से ये मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए, हमारा ये फर्टिलाइज़र अब रेडी है सॉइल में मिक्स करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दूँ कि किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये बहुत कॉमन सा प्रोसेस है, पर यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि मोगरे का पौधा रिपीटिंग फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसका मतलब उसे बार बार न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे ख़ास बात यह है कि इसको सही टाइम पर फर्टिलाइज़र देना। मोगरे के पौधे पर जो फर्टिलाइज़र देने का सही टाइम है वो है फ्लावरिंग ओवर होने के जस्ट बाद। हालांकि मेरे इस प्लांट पर अभी फ्लावरिंग चल रही है और पूरी तरह से ओवर नहीं हुई है, पर मुझे आपको थोड़े से इस पर फ्लावरिंग दिखानी थी इसलिए मैंने वीडियो 4-5 दिन पहले ही बना ली। पॉट में फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दें ताकि ये मिक्स हो जाए, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि गर्मियों में बार बार हमें वाटरिंग करनी पड़ती है, उससे भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिल जाते हैं। अच्छा, सॉइल में फर्टिलाइज़र मिक्स करने के बाद वाटरिंग ज़रूर करें। मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में जाने स्टार्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो था फर्टिलाइज़र कि इसका मतलब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कब देना है, मतलब इसका सही टाइम कब है। ये तो हो गई हैवी फ्लावरिंग के लिए एक फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है वो है सनलाइट, और वो भी डायरेक्ट सनलाइट। तो फ्रेंड्स, ये मोगरे का पौधा भी पोर्चुलका के प्लांट की तरह डायरेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की डिमांड करता है, इसलिए इस प्लांट को कम से कम 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, या फिर सारा दिन की मिलती है तो और भी अच्छा है। तेज़ धूप और ज़्यादा टेम्परेचर से इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि इस पर फ्लावरिंग और ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पौधों पर, मतलब मोगरे के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है या ना के बराबर होती है और रिपीटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, तो मैंने इस वीडियो में जितने भी टिप्स दिए हैं उन्हें आप फॉलो करें। ऐसा करने से आपके मोगरे का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा और बार बार हैवी और रिपीटिंग फ्लावरिंग होती रहेगी।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू व्यूअर्स, आपका दिन शुभ हो।